मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे प्रवेशद्वार मानलं जाणाऱ्या इगतपुरी रेल्वे स्थानकात बुधवारी गांधी जयंतीनिमित्त स्वच्छता मोहीम राबवली गेली. इगतपुरी रेल्वे स्थानकात 24 तासात 110 रेल्वे गाड्या थांबतात. दिवसभरात लाखो प्रवाशांची वर्दळ या स्थानकातून होते. या स्थानकात 5,000 कर्मचारी आहेत. कसारा घाटामुळे इगतपूर्वी रेल्वे स्थानकात सर्व रेल्वे गाड्यांचे गार्ड ड्रायव्हर बदली होतात. काही गाड्यांचे इंजिनही बदलते. या सर्वांची काळजी घेत स्वच्छ स्टेशन, डिजिटल स्टेशन, चांगली सुरक्षित सेवा प्रदान करण्याचा भागीरथ प्रयत्न इगतपुरी रेल्वे स्थानकाचे अधिकारी कर्मचारी करताना दिसतात. इथं तुम्हाला डिलक्स बाथरूम, शुद्ध खाद्य पदार्थ तेही सरकारी किमतीत मिळतात. याबाबत इगतपुरी रेल्वे स्थानकाचे स्टेशन प्रबंधक प्रेमचंद आर्य यांनी माहिती दिली. अभी रेल प्रशासन ने निश्चय किया है कि यात्रियों को एक स्वच्छ और साधारण वातावरण दिया जाए, जिसमें डिलक्स टॉयलेट का निर्माण किया गया हमारे इगतपुरी स्टेशन पर, जिसका कि उद्घाटन होना बाकी, क्योंकि इसको टेंडर पे देना जाना जरूरी है, क्योंकि इसके रख रखाव के लिए अभी प्रोसीजर जो है आगे चालू है. जैसे हो जाएगा ये यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. सर्व खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या स्टॉलवर बिलिंग मशीन, POS मशीन, पेटीएम सुविधा मिळतात. येथे प्लास्टिक बंदी कटाक्षाने पाळली जाते. रेलनीर हे पाणी कटाक्षाने वापरले जाते. या सर्व सुविधांची माहिती मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक यांनी दिली. हमारे यहाँ इगतपुरी में जैसा कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उसके तहत हमारे इगतपुरी स्टेशन और इगतपुरी रेलवे प्रमाइसेज में जो स्वच्छता से रिलेटेड हैं, तो हमारे बहुत से डिपार्टमेंट जो रेलवे के हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इससे रिलेटेड सभी और बाहर के इगतपुरी के जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत से लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट करके और जन जागृति करके, और इसी के साथ में हमारे रेलवे प्रमाइसेज को बड़ा क्लीन और स्वच्छ बनाया है. आप जैसे देखेंगे तो सारे प्लेटफॉर्म्स और कैंटीन्स वगैरह जितने ट्रैक्स हैं, ड्रेनेज है, बहुत अच्छी क्लीननेस हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और उसी को अपग्रेड करते हुए हम लोग और आगे स्वच्छता की ओर एक कदम और बढ़ते जा रहे हैं निरंतर. मुख्य विभागीय रेल प्रबंधक SK जैन, वरिष्ठ रेल प्रबंधक नरेंद्र पनवाल, रॉबिन कालिया, विभागीय वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती सृष्टी गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली इगतपुरी सेक्शनचे मुख्य वाणिज्य निरीक्षक PB पंडित यांच्यासाठी विशेष परिश्रम घेतात. या सर्व सुविधांमुळे आजकाल हाऊसकीपिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ, चलता हूँ, मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो पूरी इंडिया में उधर चलता रहता हूँ, तो मैं देखा आजकल ट्रेन भी सब टाइम से चल रही है और हाउसकीपिंग भी अच्छी हो रही है और साफ़ सफाई सारी अच्छी चल रही है स्टेशनों पर. मैं कल्याण में था, वहाँ भी मैंने देखा काफ़ी अच्छी सफाई चल रही थी, सारा सफाई कर रहे थे वो लोग स्टेशनों पर, और काफ़ी अच्छा है, सफाई चल रही है सब जगह, अच्छी सफाई हो रही है. कसारा घाट सेक्शनमुळे इगतपुरी रेल्वे स्थानकाला अनेकदा आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड द्यावं लागतं. नुकतीच अंत्योदय एक्सप्रेस भीमा पुलावरून घसरली, त्यावेळी काही किलोमीटर ट्रॅकवरून प्रवाशांना सुखरूप पोहोचवणं, त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याचे महत्वाचे काम कर्मचाऱ्यांनी केले. 4 जुलैच्या अतिवृष्टीत खडवळी, वसीत, आडगाव, खर्डी, उंबरमाळी, कसारा आदी स्थानकात रेल्वे गाड्या खोळंबल्या होत्या, तेव्हाही 17,000 जास्त प्रवाशांना खाद्यपदार्थ देण्याबरोबरच 34 बसेसद्वारे त्यांची पाठवणी केली. दुरंतो एक्सप्रेसचा आसनगाव जवळ झालेला अपघात, विदर्भ एक्सप्रेसचा उंबरमाळी आणि पवन एक्सप्रेसचा कसारा घाटात झालेला अपघातावेळी अशीच तत्परता आणि संवेदनशीलता इगतपुरी रेल्वे प्रशासनाने दाखवली. या सर्व व्यवस्थेत KD दोडमणी, SM गुप्ता, AR इराणी, अतुल कुमार, आशा पाटील आदी स्टॉलधारकही मदतीला धावून आले होते. लवकरच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या सूचनेनुसार उंबरमाळी, ठाणसी हे दोन हॉल्ट स्टेशन प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यासाठी इगतपुरी स्थानक रेल्वे प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इगतपुरी रेल्वे स्थानक देशभर आदर्श स्थानक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नाशिक सिटी न्यूजसाठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.